है आपका नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन अगेन अ वेरी वेरी चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो उससे अगर पूछा जाए कि भाई ये बताओ टैक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती है तो वो एक दो चैप्टर्स का नाम लेता है जिसमें एक पीजीबीपी होता है बेसिकली और फाइनल वाले उसमें ऐड कर देते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन दैट्स इट इसके अलावा हमें नहीं लगता टैक्स में कहीं कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टूडेंट को नॉर्मली आती होगी माइट भी बिल्कुल आती होगी लेकिन हाँ ये वो कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है चाहे वो फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो सेकेंड टाइम कर रहे हो एज एन वैन दे स्टार्ट टॉपिक दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स दे लर्न समथिंग न्यू ऑलवेज उनको कुछ ना कुछ हमेशा पता चलता रहता है कुछ ना कुछ हमेशा अगर आप दसवीं बारहवीं पढ़ रहे हो ना देन ऑल्सो यूल गेट समथिंग न्यू इन दैट चैप्टर चलिए देखते हैं क्या है इस कैपिटल गेन में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसे हर एक चैप्टर स्टार्ट हुआ चाहे सैलरी हुआ तो उसमें हम लोग एक चार्जिंग सेक्शन देखते हैं सेक्शन फिफ्टीन अच्छा उसके बाद फिर एक नया चैप्टर हेड है, ऑफ इनकम स्टार्ट होता है अच्छा हमारे यहाँ एक बात बताओ आप लोग कितने सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पूरे इनकम टैक्स में कितने सोर्स ऑफ इनकम है पहला पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या है अच्छा दूसरा अच्छा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है नेक्स्ट uh, और पांचवा सोर्स ऑफ इनकम क्या है <laughs> अरे मेरे लाल सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम हेड्स ऑफ नहीं है हेड्स ऑफ इनकम है तो पहले तो ये हमेशा आप लोग दिमाग में निकालें कि ये सोर्स ऑफ इनकम हेड्स ऑफ इनकम एक होते हैं दोनों अलग होते हैं सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास पांच कैपिटल एसेट है मैंने पांचों कैपिटल एसेट को अलग अलग टाइम पर सेल किया आई हैव फाइव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बट ऑल द इनकम फॉल्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम मेरे पास तीन डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं मेरे पास तीन डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं वो मेरे तीन अलग सोर्स ऑफ इनकम हो गए लेकिन हेड ऑफ इनकम एक हो गया मैं दो जगह से सैलरी पाता हूँ एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम तो वो हमारी दो सोर्स ऑफ इनकम हो गई लेकिन हेड ऑफ इनकम एक हुआ अगर अदर सोर्स की बात की जाए तो नंबर बन जाएगी लिस्ट बन जाएगी इनकम्स की बैंक हो गया फ्रेंड्स से इंटरेस्ट लेना हो गया डिविडेंड हो गया यूटीआई की रेवेन्यू हो गई मीन्स मीन्स अलग अलग तरीके की इनकम स्टार्ट हो जाती है पोलिटिकल पार्टी का ये वो सब तो कहने का मतलब ये कि सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं हेड्स ऑफ इनकम पांच होते हैं मैंने आपसे कहा कि क्या कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं मैक्सिमम लोगों ने स्टार्ट कर दिया सोर्स ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम को गिना उसी में ही चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने आपको सेक्शन 15 बताया था सैलरी में चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन ट्वेंटी टू बताया गया था हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी एट बताया गया था पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन आज आज हम लोग सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन की बात करेंगे ये कैपिटल गेन का हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है चलिए सब सेक्शन वन नहीं लिखते हैं 45 ही रहने देते हैं अदरवाइज 45 बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है 45 की ही बात करते हैं ये कैपिटल गेन होता है इज इट क्लियर चलिए क्या है इस सेक्शन 45 सब सेक्शन वन में दीप्ति बाबू आप पे नहीं चलाएंगे मेरे लाल चलिए हाँ तो हमारे पास ये कैपिटल गेन ये कैपिटल गेन है क्या अगर हम देखें तो कैपिटल गेन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है आर टू कंडीशन द फर्स्ट देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी केस ऑफ ट्रांसफर अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो इनसे इनसे होने वाला जो भी फायदा होगा इनसे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा या इनसे होने वाला जो भी गेन होगा वो हमारा कैपिटल गेन कहलाएगा इज इट क्लियर पक्की बात है अगर मैं आपको बोलूं सेक्शन 45, तो आप क्या बोलेंगे उसको हम एक चार्जिंग सेक्शन की लिस्ट दे देंगे लेकिन बिफोर गोइंग टू द चार्जिंग सेक्शन वी आर नीडेड टू नो दैट किस तरह की इनकम हमारी टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन में देर मस्ट बी टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट वन देर मस्ट भी कैपिटल एसेट एंड कैपिटल कैपिटल एसेट एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड यानी होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए ट्रांसफर होना चाहिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए ट्रांसफर होना, होना चाहिए अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा या गेन आएगा लॉस नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं अरे मेरे लाल प्रॉफिट और गेन में पॉजिटिव प्रॉफिट भी, भी आता है निगेटिव तो पॉजिटिव गेन भी आएगा और निगेटिव गेन भी आएगा तो यहाँ प्रॉफिट की भी बात हो रही है और तो लॉस की भी बात हो रही है यहां प्रॉफिट की भी बात हो रही है लॉस की भी बात हो रही है तो गेन को देख करके ये नहीं की आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट पोर्शन ओनली लॉस को हम लोग छोड़ देते हैं ना प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेज लेकिन उनको हम पॉजिटिव गेन और गेन का नाम देते हैं अब तो क्लियर है ठीक <खँँछ>। है।, हाँ, है कोई भी प्रॉफिट या गेन जो अराइज होता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट तो मैंने कहा दो तो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए तो एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ़ अ कैपिटल एसेट टू सारी कहानी इसी के पीछे है ये इसीलिए सेक्शन सेक्शन 1 में लिखा है इसके आगे के सब को हम पढ़ने लगेंगे ना वो एक्सेप्शन की बात करना स्टार्ट कर देगा किसकी बात करना स्टार्ट कर देगा एक्सेप्शन की बात करना स्टार्ट कर देगा यानी अगर हम कहें नॉट चार्ज टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर आर आर सो सो मेनी मेनी तो उसके लिए हमें सेक्शन 45 के डिफरेंट सबसे को देखना पड़ेगा अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे एक नॉर्मल से दिमाग में बात बैठा मेंक्शन फोर्टी फाइव सबसेक्शन वन का क्या है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बी चार्ज टू टैक्स अंडर दैट कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विज द ट्रांसफर टुक प्लेस और टेकन प्लेस चलिए सर ठीक है सर यहां तक तो समझ में आ गई हमको यानी दो कंडीशन पूरी करनी है कैपिटल गेन के लिए एक कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए सर ठीक अगर हम बात करें कि कैपिटल एसेट क्या होती है और ट्रांसफर क्या होता है हमें ये तो पता चल गया कि कैपिटल गेन होने के लिए इन दो कंडीशंस का होना जरूरी है तो कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टीन कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू बेसिकली सेक्शन टू के साथ सब सेक्शंस नहीं आता वहां क्लॉज बोला जाता है क्लॉज फोर्टीन और ट्रांसफर के लिए बोला गया सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी सेवन ये डेफिनेशन दी हुई है यहां पर ये डेफिनेशन दी हुई है यहां पर सेक्शन टू क्लॉज फोर्टीन एंड सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी सेवन ये डेफिनेशन दी हुई है आपको शुरू में ही एक मिल गया, अच्छा, खासा, अच्छा खासा एक अमेंडमेंट क्लास के स्टार्टिंग में ही मिल गया ये है अमेंडमेंट एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 देखेंगे क्या है बेसिकली ये वाला भी पहले क्या होता था पहले अगर हम पुरानी बात करें तो केवल ये एक लाइन आती थी और उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट कर देते थे कुछ समय बाद अभी चार साल पहले होप्सो हाँ चार साल पहले के आसपास ये ऐड किया गया और इस साल इसको ऐड किया गया है ठीक है ना क्या है ये पॉइंट्स जरा हम उनकी बात करते हैं अगर कैपिटल एसेट की बात करें तो किन चीजों को हम कैपिटल एसेट बोलेंगे मैंने क्या बोला भाई डेफिनेशन में तो यही ना बोला जाएगा कि आप किन किन चीजों को कैपिटल एसेट बोलेंगे

trying to make trying to make you understand with the positive definition they given you a exclusive definition exclusive means kuch cheeze hata di gayi ki these are not the capital asset these are not the capital asset in cap ye capital asset ki category mein shamil nahi hote ये capital asset की category में शामिल नहीं होते इस list में जितनी चीजें मैं बताऊंगा ना वो चीजें आप हटा दो इनको हटा दो बाकी जो बचा मैंने क्या बोला बाकी जो बच गया वो सब आपका कैपिटल एसेट कहलाएगा सोचो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कितनी वाइड है तो अगर हमारे सामने कोई केस आता है तो हम ये केवल एक्सक्लूजन वाली डेफिनेशन देख लेंगे कि ये हटा दो ये हटा दो ये हटा दो अच्छा इसमें तो नहीं आया चलो चलो ये कैपिटल एसेट है सो so सिंपल लेकिन उसके पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मेरे घर में मेरी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है क्या वो कैपिटल एसेट है क्या मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूं क्या वो कैपिटल एसेट है क्या वो जमीन जहां मैं अपना घर बना रहा हूं वो कैपिटल एसेट है पर्सनल यूज के लिए अच्छा क्या वो ज्वेलरी जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कैपिटल एसेट है अब अब इससे ये तो समझ में मुझे आ गया ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों के दिमाग में ढेर सारे कंफ्यूजन है स्टडी कर रखी है जो या ना का जवाब आया बिल्कुल सब एक दूसरे से कर रहा है है पर्सनल घर तो भैया वो कैपिटल एसेट नहीं है ज्वेलरी है तो वो कैपिटल एसेट है ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ज्वेलरी को आपने अलग से पढ़ रखा है इसलिए दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज जा रही है फिलहाल मैं ये मानकर चलता हूं आपको कुछ नहीं आता चलिए कैपिटल एसेट को डिफाइन करते हैं कहा गया ऑल द मूवेबल मैंने क्या बोला ऑल द movable और इमूएबल एसेट वेदर ओ मैंने कहा सारी की सारी movable और immovable प्रॉपर्टीज हमारी कैपिटल एसेट होती हैं। सारी की सारी मूवेबल और immovable प्रॉपर्टीज हमारी कैपिटल एसेट होती हैं। चाहे वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दोज एसेट्स आर कनेक्टेड विद विदेड ऑफ द एस एस सी बिजनेस ऑफ द एस एस सी और नॉट ऑल द और ऑल द इमुबल प्रॉपर्टीज वेदर दोज एसेट्स और वेदर दोज कैपिटल एसेट्स आर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एस एस सी और नॉट शैल बी द कैपिटल एसेट बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग क्या बोला बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सारी चीजों को आप कैपिटल एसेट मान लो इन चीजों को हटा दो सारी चीजों को कैपिटल एसेट मान लो चाहे कोई भी चाहे हो चाहे वो पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो मीन एट ऑल हम कोई डिफरेंस करेंगे ही नहीं अगर हमसे कोई पूछा जाएगा तो फर्स्ट साइड पे तो हम यही कहेंगे कि हाँ कैपिटल एसेट होती है लेकिन इस इन इन एसेट्स इन को आप हटा दो सर किन एसेट्स को आप हटाने की बात कर रहे हैं थोड़ा ठांड रखो दो मिनट में आ जाएगा किन किन एसेट्स को हटाने की बात करेंगे लेकिन स्पेशली ये दो चीजें और शामिल की गई हैं ये भी कैपिटल एसेट है एक चीज तो ये समझ में आई सारी की सारी मूवेबल और सारी की सारी एमुबल चीजें हमारी कैपिटल एसेट होती है जो एफ जो आईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे अगर वो कोई स्टॉक अगर वो कोई सिक्योरिटी अपनी ट्रेडिंग के लिए रखते थे किसके लिए रखते थे किसके लिए रखते थे ट्रेडिंग के लिए रखते थे तो उसको हम लोग पीजीपीपी में ले जाते थे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी तो गवर्नमेंट ने सीधे कहा ना हम एक काम करते हैं जितने भी एफ हैं फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर वो कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं तो एफ अगर हेल्ड करते हैं एनी सिक्योरिटी

ट्रेड, ट्रेडिंग का भी काम करेगा बावजूद इसके हम उसको कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखेंगे ना कि उसको हम पीजीपीपी में ले जाएंगे उसके प्रॉफिट और लॉस को गॉट इट तो ये एक अलग से एक एक्सेप्शन दे दिया उसी में ही साथ में कि भाई ये सारी एसेट जो अब हम लिस्ट बताएंगे वो तो कैपिटल एसेट है ही हैं जो हम लिस्ट बनाएंगे उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट हैं ये जो कैपिटल एसेट में नहीं आती थी चीजें जिसको आप कभी कभी पीजीपीपी में भी ले जाते थे अगर वो ट्रेडिंग के हिसाब से होती थी तो भी उसको अब वहां मत ले जाओ यहां ले आओ ठीक है सर हम तो समझ गए तीसरा जो इस बार से ऐड किया गया है बेसिकली हम इसके पीछे ऐड करने का इंटेंशन बता दें क्यों गवर्नमेंट ने इस चीज को यहां पर ऐड किया अच्छा इनकम टैक्स के पीछे का लॉजिक या इंटेंशन क्या है ये मालूम है आप लोगों को मैंने बताया होगा कभी बेसिक्स में नहीं बताया तो ढंग से सुन लें इनकम टैक्स को बनाने के पीछे का या लगाने के पीछे का इंटेंशन ये है कि भाई सर एक बात बताइए डायरेक्ट टैक्स में ना गवर्नमेंट को इतनी रेवेन्यू नहीं होती जितनी इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है तो इंस्टेड ऑफ इंपोजिंग द डायरेक्ट टैक्सेस वी मस्ट ट्राई टू गो विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस उसी में एक परसेंट रेट बढ़ा दे गवर्नमेंट दो परसेंट सारी चीजों का रेट बढ़ा दे और इनकम टैक्स को खत्म कर दे सारा का सारा कंपनसेट हो जाएगा दिमाग में नहीं आता क्या ऐसा ख्याल दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं कि गवर्नमेंट ने ये अलग अलग डिफरेंट टैक्सेस क्यों रखे हुए हैं इनकम टैक्स और जीएसटी क्यों ना गवर्नमेंट क्या करे कि डीटी को हटा दे वैसे भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कंपैरेटिवली जीएसटी जी के मुकाबले बहुत कम होती है इनकम टैक्स में तो गवर्नमेंट इसको हटा दे अगर जीएसटी के एक परसेंट रेट को भी बढ़ा दे दो परसेंट रेट को भी बढ़ा दे एक पूरा पूरा टैक्सेशन सिस्टम और उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट को फायदा ही होगा उससे अल्टीमेटली हाँ तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है नहीं सोचा जा सकता बीच बीच में इस तरह की बातें आती भी हैं लेकिन गवर्नमेंट तो उल्टा डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के फिराक में है किसके डायरेक्ट टैक्स कोड यानी अब आपका जल्द ही अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं आई होती आपकी कोरोना वगैरह की दो साल से तो अब तक शायद हम लोग का ये फाइनेंशियल ईयर कन्वर्ट हो गया होता कैलेंडर ईयर कन्वर्ट हो गया होता फाइनेंशियल ईयर अब हम लोग नहीं पढ़ रहे होते अब तक हम लोग पढ़ रहे होते या आने वाले एक दो साल में हो जाता कि फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर को एंड होगा मैंने क्या बोला कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते दूसरा कि डायरेक्ट टैक्स कोड की भी कोशिशें काफी तेजी से चल रही थी जो कि अब रुक गई हैं क्या है इस डायरेक्ट टैक्स कोड में वो अभी मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा लेकिन ये दिमाग पे ये ख्याल आता है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट हटा देती है इसके पीछे रीजन है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट नाम सुना है कभी गवर्नमेंट कभी भी इस बेसिस पर काम नहीं करती कि फायदा हो रहा है तो बिजनेस करो घाटा हो रहा है तो बंद करो अरे आपको पोलियो की दवा लगाने में गवर्नमेंट का क्या फायदा था फ्री में लगी ना फायदा क्या हुआ ये जो सिविल हॉस्पिटल्स चलते हैं एक रुपए या फ्री में दवाइयां और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है अगर गवर्नमेंट को इतना ही फायदे और नुकसान की चिंता होती तो गवर्नमेंट ने अब तक सिविल हॉस्पिटल्स बंद कर दिए होते ये मेडिकल कॉलेजेस सिविल हॉस्पिटल्स और ये पीजी कॉलेजेस नहीं बन रहे होते अच्छा इसके एम्स वगैरह नहीं बन रहे होते अच्छा इसके अलावा गवर्नमेंट क्या सोचती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट दे वहीं पर प्राइवेट जर्नी करते हैं प्राइवेट चीज़ों से मींस रोडवेज वगैरह की गाड़ियों से तो बहुत महंगी होती है लेकिन वहीं पर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की ओर से जाते हो तो बहुत सस्ते में हो जाता है तो गवर्नमेंट को अगर फायदा या घाटा ही देखना होता तो गवर्नमेंट बंद कर चुकी होती इन सब चीज़ों को बात समझ में आई या नहीं आई यहां पर भी गवर्नमेंट क्या कहती है यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि हमें रॉबिन हुड बनना है रॉबिन हुड कैसे बनना है अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों में बांटना है ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है जबकि जीएसटी वगैरह हमारे रिग्रेश, रिग्रेश, रिग्रेसिव नेचर या रिग्रेसिव अप्रोच के टैक्सेशन होते हैं ये प्रोग्रेसिव बेसिस का है कि जिसकी जितनी ज्यादा कमाई होगी उससे उतना ज्यादा टैक्स लेंगे जबकि जीएसटी कहता है एक भिखारी भी उतना ही ब्रेड पर टैक्स देगा जो एक करोड़पति देगा अगर एक करोड़पति एक ब्रेड खरीद रहा है दस रुपए की तो उसको भी दो रुपए जीएसटी देना है मान लेते हैं और एक अगर भिखारी या बहुत गरीब है बहुत गरीब है कोई उसको भी दस रुपए की ब्रेड पर दो रुपए का टैक्स देना है देखो ना वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा जबकि यहाँ का पर्पज ये है कि हम सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट रखेंगे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करेंगे इस टैक्स से अमीरों से पैसा लेंगे और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी इनकम का जो डिफरेंस है अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है तो वो जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है उस डिफरेंस को हम कम करने की कोशिश करेंगे उसके पर्पज से ये बनाया गया मान लो जो इंडिया का सबसे अमीर होगा वो इन कैटेगरीज में है ये सबसे हायर इनकम ग्रुप है ये हायर इनकम ग्रुप है धीरे धीरे लो कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे लो कैटेगरी में आ रहे हैं हम लोग अभी कहीं नहीं है मान लेते हैं हम लोग कहीं यहाँ पर आ गए अच्छा गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है मान लेते हैं इन सबसे टैक्स वसूला और इतना पोर्शन टैक्स निकल गया मान लेते हैं इस टैक्स को यहां फिल करने में यूज होता है इस अमाउंट को यहां फिल करने में उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट में वो अमीर का बच्चा किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रहा होगा तो ठीक है गरीब के बच्चे को भी एक लेवल पर ले आकर उसको पढ़ाओ मेरी बात समझे या नहीं समझे एक अमीर अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है हॉस्पिटल में तो एक गरीब का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये इसका मेन बेनिफिट है अब बताओ क्या इनकम टैक्स को हटा दें अगर घाटा हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अधिक है तो हटा दें अच्छा चलिए ठीक अब समझ में आया बहुत बढ़िया अच्छा गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाया था अब ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट आया है इसी कारण हमको ये बताना पड़ रहा है नहीं तो अब तक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही हमारा ये क्लियर हो जाता था इंट्रोडक्शन में अब जो एक सिस्टम था गवर्नमेंट ने कहा था लोगों को कि भाई आप अपने बीमार पड़ते हैं आप तबीयत खराब होती है आपका एक्सीडेंट होता है तो आप हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं रिटायरमेंट होते हैं हमारे ऊपर डिपेंड अरे भैया आप आप सेल्फ रहो, सेल्फ डिपेंड रहो करो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा डालो अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है इंश्योरेंस सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं इंश्योरेंस पे पैसा इंश्योरेंस में लाइफ सिक्योर होती है या इन्वेस्टमेंट होता है आँ? अब देखो ना हम लोग का दिमाग कितना हिप्नोटाइज कर दिया है मार्केट ने पूरी तरह से जबकि इंश्योरेंस का मतलब यह होता था कि इंश्योरेंस का मतलब लाइफ कवरेज ये मतलब होता था धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इसको हम लोग कहते हैं प्योर रिस्क या प्योर रिस्क कवरेज या प्योर इंश्योरेंस इसका एक और नाम है प्योर इंश्योरेंस आज भी इसको इसी नाम से जाना जाता है अच्छा जो आज की डेट में आ गया लोग क्या करते थे इंश्योरेंस में पैसा डालते थे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे तो कंपनियों ने सोचा चलो एक काम करते हैं दोनों को मिला देते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कर देते हैं तो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम लाई गई जिसको हम लोग कहते हैं यूलेप नाम सुना है इसको कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आज की डेट में अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है टेल यू अबाउट टू गो विद दिस वन नेवर टेल यू वो कभी नहीं बताएंगे आप इसमें जाइए वो हमेशा बताएंगे आप इसमें जाइए हर महीने आप बीस हजार देंगे ना आपको ये मिलेगा वो मिलेगा ठीक है दैट इज देयर ओन बिजनेस हम उनके बीच में नहीं जा रहे सही गलत सब बात की बात की है लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये बहुत ज्यादा चलने लगा तो अब पर्पस क्या था इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कि गवर्नमेंट चाहती थी वो एक गरीब आदमी भी जो है अगर रिटायरमेंट पहुंच रहा है गरीब आदमी भी अगर अपनी लाइफ को थ्रेट के तौर पर दे रहा है तो अपने जाने के बाद अपने बच्चों को कुछ दे करके जाए तो लाइफ कवर हो गया तो मिडिल क्लास का भी बंदा इस बेनिफिट को उठा सके। इसको कहा गया यूलिप अब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे लेकिन ये बेसिकली एक नॉर्मल या एक मिडिल क्लास के लिए था अब जो इसका फायदा उठाने लगे ना वो हायर क्लास की इनकम के लोग फायदा उठाने लगे जिनकी इनकम करोड़ों में है वो भी इसमें पैसा लगाने लगे

ये सिस्टम किया गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से एक्सेस कितना पर एनम पर एनम अगर दो पचास से अधिक तो आपको यह बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको यह बेनिफिट नहीं मिलने वाला यही बताया गया है इसमें जरा ढंग से सुने

तो अगर कोई यूलिप है जिसको एग्जिमिशन मिला हुआ है अंडर सेक्शन टेन टेन डी जिसको गवर्नमेंट अब तक बेनिफिट देती थी सबको उनमें से कुछ को हटा दिया डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो तो गवर्नमेंट नए प्रोविजो इंसर्ट की है फोर्थ प्रोविजो फिफ्थ प्रोविजो सिक्स प्रोविजो सेवेंथ प्रोविजो हमको उन सारे प्रोविजो को देखना है अभी हम उनके पीछे नहीं भागे बस इतना समझ लो छोटी सी बात मैंने कही अब फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो में क्या लिखा है ये लिखा है फोर्थ एंड फिथ प्रोविजन रिलेट टू पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट या तो इंडिविजुअल या दो या तीन हो सकता है कोई बंदा दो पॉलिसी लेकर रखा हो नहीं हो सकता दो अलग अलग एक बजाज का आपने यूलिप ले लिया और आपने एक एच का यूलिप ले लिया नहीं ले सकते क्या आप तो अगर अगर पेमेंट है पेमेंट का मतलब एक सिंगल यूलिप आपने ली है अगर दो तीन चार का लिया है तो एग्रीगेट पेमेंट ऑफ प्रीमियम थाउजेंड ट्वेंटी वन तो फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो कहते है ठीक है ढाई लाख तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कम वाला होगा उसको हम बेनिफिट दे देंगे बात खत्म मैंने फिर बोला अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है यूलिप स्कीम में और प्रीमियम अकेले या सब यूलिप का मिला करके 250 से अधिक हो जाता है तो अब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला जो हम एग्जामिशन अभी तक मानते थे अंडर सेक्शन 10 टेन डी अब वो एग्जामिशन आपको वहां नहीं मिलेगा बेसिकली इसका टैक्स ट्रीटमेंट जानते हैं कि हाँ क्या माना गया इसको सोचिए क्या मान लिया गया सोचिए क्या माना गया क्या माना गया कैपिटल एसेट क्यों 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 क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या है यहां ठीक <coughs> है ना समझ में आई बात कैपिटल एसेट का हिस्सा बन गया देखा जाएगा इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे खूब मजा आएगा इसको देखेंगे तो। फिलहाल अभी हमको आज का पूरा कंसंट्रेशन करना है कैपिटल एसेट और ट्रांसफर ट्रांसफर की डेफिनेशन हो जाएगी तो बल्ले बल्ले नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि जितना टॉपिक हो जाए कैपिटल एसेट में क्या बोला गया इन तीन चीजों को हम कैपिटल एसेट मानेंगे इन तीन चीजों को कैपिटल एसेट मानेंगे एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वेदर कनेक्टेड विदिटल इन्वेस्टर है उसने सिक्योरिटी हेल्ड की हुई है तो उसको भी हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे बड़ बड़ भले ही उसने ट्रेडिंग के पर्पज से ले रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड बताया गया जो इस साल का अमेंडमेंट है कि फर्स्ट फरवरी 2021 के बाद अगर आपको यूलिप का पेमेंट करते हैं जिसका पेमेंट या इन एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज टू लैक फिफ्टी थाउजेंड तो वहां पर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा टेन टेन डी का, का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे क्या मान लेंगे अच्छा तो अब कैपिटल एसेट में आपको एक कैटेगरी और ऐड करनी पड़ी जिसका एग्जिम्स मिलता था वो बेनिफिट ना मिलकर के हमको क्या मान लिया जाएगा कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा तो तीन चीजें समझ में आई कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी लेकिन एक अलग से डेफिनेशन में ऐड किया गया इन इन चीजों को आप कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे बेसिकली ये क्लॉज जो है वो इस ए वाले के साथ अटैच है हाँ बोलिए बाबू हम्म हाँ भाई क्या दिक्कत है लेकिन उसकी लिमिट है ना नहीं नहीं एग्जिमशंस मिलते थे ना बेनिफिट मिलते थे लाइफ कवर है तो भले ही आपका जो डेढ़ लाख की लिमिट है उसके क्रॉस चला गया ए का तो ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा लेकिन सेक्शन टेन में जाकर के बेनिफिट ले लेते हैं मेच्योरिटी वगैरह का ठीक है ना तो वो बेनिफिट अब नहीं मिल पाएगा आपको हाँ जी तो कहने का मतलब बोलिए बोलिए <laughs> ये है ये बढ़िया बढ़िया है <laughs> आ, है है बाबू बहुत ठीक समझ गए हम कर देंगे हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे चिंता मत करिए ये बहुत बढ़िया है सीए ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है या में ऐसे ही थोड़ी कोई एफर्ट करता है ठीक <laughs> है हम शेयर कर देंगे अभी नहीं अभी नहीं ठीक है आ, चिंता ना करें नितिन चलिए तो कैपिटल एसेट में क्या-क्या शामिल नहीं है जरा हम हम उसके बारे में बात करते किन-किन चीजों को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे अरे हम जिस चीज में बिजनेस कर रहे हैं डीलिंग कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में क्या हम उसको कैपिटल एसेट मान ले हम ट्रक में डील करते हैं नॉर्मली तो ट्रक मेरी कैपिटल एसेट है चाहे बिजनेस से रिलेट हो चाहे ना हो बुलडोजर उस उस उससे उससे रिलेटेड बिजनेस है तो पर्सनल भी है या फैक्ट्री से रिलेटेड जैसे भी है अब वो हमारा बिजनेस से रिलेट करता है बोलो ना बुलडोजर का ही बिजनेस करता हूँ सामान खरीदना और बेचना बुलडोजर को ही खरीदता हूँ बुलडोजर को ही बेचता हूँ तो क्या मेरा वो कैपिटल एसेट हो गया नहीं no, नहीं वो कैपिटल क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है लैपटॉप को ही मैं खरीदता हूँ लैपटॉप को ही मैं बेचता हूं तो क्या मेरा वो कैपिटल एसेट हो गया मेरा काम है मेरा काम है कैमरा बेचना और खरीदना और बेचना क्या वो मेरी कैपिटल एसेट हो गई मशीनरी फ्लोर मिल में खरीदता और बेच मतलब फ्लोर मिल की मशीनों को मैं सेटअप uh, करता हूं तो क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट हो गया नहीं सर तो जिस चीज में आप बिजनेस करते हैं जिसका वो स्टॉक है आपका उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो चाहे डब्ल्यू से रिलेटेड हो चाहे कंज्यूमेबल से रिलेटेड हो चाहे फिनिश गुड से रिलेटेड हो इज इट क्लियर लेकिन लेकिन अदर देन सिक्योरिटीज विच आर रेफर्ड इन बी अब मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले अगर एफ के पास कोई सिक्योरिटीज हैं भले ही वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह हो, होने दो उसको उसको हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे यही तो मैंने बोला थोड़ी देर पहले चलिए चलिए ठीक है दूसरा पर्सनल इफेक्ट्स ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं पर्सनल इफेक्ट्स भी मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती पर्सनल इफेक्ट्स भी मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती जैसे जो मेरे पर्सनल नेचर की चीज जैसे मैंने कपड़े पहने हुए ये मेरे पर्सनल है ये पर्सनल है इनको हम बेचेंगे तो जो भी आएगा कैपिटल गेन नहीं होगा पर्सनल इफेक्ट्स ये ये जो चेन मैंने अभी अभी ये ये रिंग गोल्ड रिंग है मैंने उतार कर नीचे रखी ये मेरे लिए क्या है कैपिटल एसेट है कैपिटल एसेट है क्या नहीं सर ये आपका पर्सनल है अभी फिलहाल अभी आ, ना, ना, ना 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 अभी अभी आगे नहीं बढ़ने का आगे नहीं ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है अभी इतना ही याद रखो ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है ये कैपिटल एसेट नहीं है जो मेरे पर्सनल आइटम्स हैं अच्छा जो मेरा ये लैपटॉप है, ये, ये है यहां पर एक मेरा पर्सनल है दो मेरे ऑफिशियल है तो क्या पर्सनल वाला कैपिटल एसेट हो जाएगा <laughs> जो आप खाने के बर्तन यूज करते हैं थाली कटोरा चम्मच वो पर्सनल होता है या कैपिटल एसेट होती है पर्सनल और कपड़े बर्तन ये कपड़े 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 जो है अच्छा जो घर पे फर्नीचर रखा हुआ है फर्नीचर फर्नीचर मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जो हम अपने घर में यूज करते हैं मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये याद रखना मेरा कोई बिजनेस नहीं बिजनेस को बाहर में जाए बिजनेस है ही नहीं मेरा अब बताओ अरे बिजनेस है ही नहीं मेरा मेरा बिजनेस है ही नहीं पहले तो ये समझो अब जो मोटरसाइकिल मैंने घर पे रखी हुई वो पर्सनल है या कैपिटल एसेट है अगर बिजनेस होता तो ऐसे क्यों ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ये गलत है गलत है गलत है अब ढंग से सुने अब इतमान से दो मिनट बिल्कुल शांत रहेंगे पर्सनल इफेक्ट को समझेंगे नहीं ऐसे नहीं बोल सकते अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कोई भी चीज जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं या मेरी फैमिली का डिपेंडेंट मेंबर पर्सनल यूज करता है उसको वो पर्सनल इफेक्ट होता है चाहे वो कपड़े हो चाहे वो बर्तन हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो स्कूटर हो चाहे, चाहे फर्नीचर हो चाहे बेड हो चाहे अलमीरा हो चाहे डोर हो या फिर ज्वेलरी ही क्यों ना हो अभी दो मिनट दो मिनट कोई नहीं बोलेगा ज्वेलरी भी मेरी पर्सनल इफेक्ट है ज्वेलरी भी मेरी पर्सनल इफेक्ट है थोड़ी देर के लिए अच्छा कार हो तो कार भी मेरी पर्सनल इफेक्ट है अगर हम वो पर्सनल यूज करते हैं या मेरी मैं फैमिली का जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है वो पर्सनल यूज करता है तो वो भी पर्सनल इफेक्ट है अच्छा बीएमडब्ल्यू कार हो तो और मर्सिडीज हो तो <laughs> बिल्कुल सही है हम लोग वैल्यू बेस्ड यहां पर बात नहीं कर रहे बस इतनी सी बात कर रहे हैं अगर कोई एसेट मेरे लिए पर्सनल यूज होती है या मेरी फैमिली का जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो अगर पर्सनल यूज करता है तो वो हमारी यानी एसएससी की पर्सनल एसेट्स कहलाए जाएगी पर्सनल इफेक्ट्स कहलाए जाएंगे लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है पर्सनल इफेक्ट्स में ये चीजें पर्सनल इफेक्ट्स में से भी इन चीजों को हटा दिया गया सोचो 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 पहले बोला ये कैपिटल एसेट नहीं है क्या कैपिटल एसेट नहीं है ये पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं है फिर बोलता है ये पर्सनल नहीं है यानी ये कैपिटल एसेट्स हैं मेरी बात समझ में आई दो टू माइनस माइनस क्या होता है ये प्लस होता है हा तो पहले बोला कि ये कैपिटल एसेट नहीं है निगेटिव बोला पहले बोला ये कैपिटल एसेट नहीं है क्या है नहीं है पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है कौन सी चीज पर्सनल इफेक्ट फिर बोलता है ये जो पर्सनल इफेक्ट है वो पर्सनल इफेक्ट नहीं माने जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या माने जाएंगे तो दो दो निगेटिव मिलकर के फिर पॉजिटिव बना दिए बात समझ में आई अच्छा हाँ तो कहते हैं ना नाना करते यार तुम ही से कर बैठे करना था इनकार तो नाना में हाँ हो गई दो बार ना हो गया मतलब हाँ हो गई तो पर्सनल इफेक्ट ऑफ मोएबल नेचर डू नॉट इंक्लूड ये चीज नहीं शामिल होगी ज्वेलरी तो अब मैं पहले अंगूठी दिखा रहा था आपको वो हमारी पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी अब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा ज्वेलरी को तो हम शामिल ही नहीं करेंगे पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी को शामिल ही नहीं करेंगे पर्सनल इफेक्ट में भले ही आप कहें मेरे पर्सनल यूज में है कहने दो ज्वेलरी को हटा दिया गया है दूसरा अब ज्वेलरी कितने तरह की होती है वो देखो नीचे डिफाइन डेफिनेशन दिया है ज्वेलरी में क्या क्या शामिल होगा आएंगे अच्छा आर्चियोलॉजिकल कलेक्शन आपने देखा होगा कई लोगों को पुरानी चीजों को एंटिक पीस को अपने पास इकट्ठा करते हैं ना वो आर्चियोलॉजिकल आज, कलेक्शन हो गए ड्रॉइंग्स हो गए ड्रॉइंग्स कई लोगों के पास आप घर पे जाए तो बड़ी बड़ी पेंटिंग रखी रहती है कितने की पेंटिंग है पांच लाख की खरीदी है कितने की पेंटिंग खरीदी पांच लाख की क्या समझ में आया कुछ नहीं समझ में आ रहा है मॉडर्न आर्ट है अब वो पांच लाख की पेंटिंग खरीद करके आ गए हमें तो नहीं समझ में आया पांच लाख की पेंटिंग क्यों दी क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था अच्छा इसी तरह पेंटिंग्स हो गई ड्रॉइंग्स हो गई पेंटिंग्स हो गई स्कल्पचर्स हो गए और एनी वर्क ऑफ आर्ट आर्ट वर्क साइंटिफिक वर्क भी इसमें कह सकते हैं ये हमारे कैपिटल एसेट हो जाते हैं क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं आपने अपने ड्राइंग 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 रूम रूम में में एक रखी 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 है लगा रखी है लगा है पेंटिंग लगा 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 स्कल्पचर्स रखे हैं या फिर आपने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो सजाने के सामान होते हैं पुराने जमाने के एंटीक पीस वगैरह ज्वेलरी है आपकी उनको हम नहीं मानेंगे या कोई साइंटिफिक वर्क है उसको हम नहीं मानेंगे पर्सनल इफेक्ट उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे चलो एक बार एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा हमने कहा कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल होता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एनी काइंड ठीक है चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो क्या बात है चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो अच्छा दूसरा मैंने कहा कि जो एफ अपने पास रखते हैं स्टॉक और तीसरा मैंने कहा जो इस साल का अमेंडमेंट है क्या है ये तीन चीजें बशर्ते वाला इन एक्सीडिंग एक रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ना अच्छा एक बात बताओ <laughs> ये हमारे तीनों कैपिटल एसेट हैं। जब बोला गया था एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी तो एनी काइंड में कहा गया डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड क्या क्या चीज हटाई गई पहला हां ज्वेलरी नहीं स्टॉक इन ट्रेड ढंग से सुनेंगे म्यूट कर ले बाबू पहला क्या है स्टॉक इंटरेट वो हम शामिल ही नहीं करेंगे ये हमारा शामिल ही नहीं होगा कैपिटल एसेट में दूसरा मैंने बताया पर्सनल इफेक्ट और इसमें कहा गया कि जो आपके पर्सनल नेचर की चीजें होती हैं उनको हम पर्सनल इफेक्ट मानेंगे उनको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे लेकिन फिर कहा गया इसके आगे डज नॉट इंक्लूड कौन कौन सी चीजों को फिर हटाया गया सबसे पहले ज्वेलरी आर्क्योलॉजिकल आर्जिकल कलेक्शन है ना अच्छा इसके बाद किस ड्राइंग हो गई पेंटिंग हो गई एनी आर्ट ऑफ वर्क या कह सकते हैं साइंटिफिक वर्क भी इसमें शामिल हो जाएगा चलिए ये चीजों को शामिल नहीं किया गया सर ये तो समझ में आ गई लेकिन अब इसके पीछे दो कहानियां हमको आपको डिफाइन करनी है वो भी इसके इसके रेफरेंस में ज्वेलरी बोले एक गरीब आदमी होती है एनी काइंड एनी काइंड एनी काइंड चाहे वो बिजनेस में होना हो बिल्कुल ठीक है क्या दिक्कत है अगर कार मेरी पर्सनल है पर्सनल मेरे यूज में होती है या मेरे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए यूज होती है पर्सनल यूज होती है पर्सनल इफेक्ट है लेकिन अगर उसके अलावा यूज होती है तो इसका मतलब बिजनेस में यूज होती होगी किसी और जगह यूज होती होगी तो हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा तो दो कार्य है एक बिजनेस में यूज होती है एक पर्सनल 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 तो परस्टनल वाली परस्टनल वाली इफेक्ट है है बिजनेस कैपिटल एसेट इज इट क्लियर नहीं आप भूल गए तब तब सेक्शन थर्टी एट याद करिए पीजीबीपी में मैंने बताया था पार्टली अगर कोई एसेट पार्टली बिजनेस में यूज होती है पार्टली पर्सनल यूज होती है तो एक रीजनेबल पोर्शन आपको निकाल करके डेप्रिसिएशन वहां अलाउ करना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ एसेट में चलिए अब हो गया ज्वेलरी पर आते हैं यह ज्वेलरी का क्या कहानी है इसके पीछे दो स्टोरीज़ हैं कहानी सुनेंगे पहला केस लॉ है आपका बनारसी लाल बनारसी लाल कटारिका और दूसरा केस है एच एच राणा ये दो केस लॉ हैं सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनारसी लाल कटारिका की हुआ क्या था इसके केस में ऐसे ही मिर्च मसाला लगा करके थोड़ा बताएंगे ये नहीं कि आप उसको रियल स्टोरी मान लेंगे बनारसी लाल कटारिका के केस में क्या हुआ कि गरीब आदमी था एक दिन दुखी हो गया अपने जीवन से इसने अपनी कब्र खुद खोदनी शुरू कर दी खोदते खोदते अचानक टन से आवाज आई कुदार पे जमीन से निकाला तो वहां पे पुराने जमाने का एक संदूक निकला खोला तो आंखें चमचमा गई अभी एक रियल की बात बता दूं यही की है एक बंदा है बहुत गरीब बहुत गरीब था अब जाहिर सी बात है दुखी था उसके पिताजी नेपाल में कहीं काम करते थे तो एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी बहुत पुरानी नेपाल में तो सोचा चलो उसको बेच बाच करके खत्म करें तो बेचने के लिए वो रजिस्ट्री ऑफिस गया वहां पर ठीक है ना तो रजिस्ट्री ऑफिस गया तो कुछ ना कुछ पन्ने खुलते चले गए उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहां निकली वो बैठे बैठे करोड़पति बन गया अच्छा यही चीज इसके साथ हुई इसके पास निकले जमीन से खजाना निकला और ये रियल है खजाना निकला मान लेते हैं जमीन से ही निकला अब इसने इसको बेच दिया जो सामान निकला था ना वो चांदी के कटोरे चांदी के थालियां चांदी के चम्मच इस तरह की चीजें निकली थी उसने इनको बेच दिया और पैसा लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि भैया टैक्स दो इनकम टैक्स दो इसके वकील ने जवाब भेजा ये तो पर्सनल इफेक्ट है क्या है क्या है क्या एग्री करते हो ये पर्सनल इफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पर्सनल इफेक्ट है आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, आ रहे हम कवर कर रहे हैं हम बता तो रहे हैं तो पूछा गया कैसे पर्सनल इफेक्ट है तो इसने कहा देखिए भाई हमारे जो पूर्वज थे दादा दादी दा, नाना नाना जो भी हो फोर फादर्स दे वेयर हैव अ कस्टम स्टिल वी आर यूजिंग द कस्टम वी आर इन द सेम ट्रेडिशन कि जब हमारे पास दिवाली का त्यौहार आता है तो उस समय हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को और चांदी के थाली चम्मच खरीदने का एक रिवाज है आज से नहीं पुराने जमाने से चला रहा है आज भी हम उस कस्टम को रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं हम लोग भगवान को उसी में ही प्रसाद देते हैं उसके बाद भोग लगता है हम लोग भी खाना खा लेते हैं और इनकम टैक्स एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो आप कपड़ा एक बार पहनो दूसरे दिन भी पहनना जरूरी है या एक साल में दस बार पहनना जरूरी है ऐसा कुछ लिखा है क्या पर्सनल इफेक्ट के लिए आपने मोटरसाइकिल खरीद ली तो आप साल भर में दस बार जरूर घर से बाहर निकलोगे पर्सनल यूज करने के लिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या जब नहीं लिखा है तो इसके लिए आप कौन सा रूल लगाने जा रहे हो कि डेली डेली हम उस थाली चांदी की थाली में खाना खाएं तभी आप उसको पर्सनल इफेक्ट मानेंगे अरे ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है कस्टम हाँ, है ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट को भी था, थाली चम्मच। और, इसने इसको करके, और वो भी चांदी का और ये हम लोग का कस्टम है ये हर कोई जानता है होता ही है ठीक है इसको मान लिया गया पर्सनल इफेक्ट और जरूरी नहीं कि डेली डेली का हो अब ये बात पता चली किसको मालूम है महाराजा राणा हेमंत सिंह जी को भी आए अपना खजाने का दरवाजा खोला बोरे उठाए सिक्के के चांदी के सिक्के और बेच दिया अच्छा चांदी सोने के सिक्के बेचे उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया तो इससे पूछा गया भाई इनकम टैक्स लाओ तो इसके वकील साहब ने वही जवाब बनाया रिप्लाई दी कि भाई ये तो पर्सनल इफेक्ट है तो पूछा गया भाई पर्सनल इफेक्ट कैसे कोर्ट ने पूछा कैसे है पर्सनल इफेक्ट तो इसने कहा ये हमारे फोर फादर्स का एक चला आ रहा है कस्टम कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम लोग जो सोने और चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं वहां पर कोर्ट ने क्या बोला जरा ढंग से सुने कोर्ट ने बोला चलो भाई चांदी और सोने के सिक्के चढ़ाते जरा भोग लगा कर दिखाओ और यूज करके दिखाओ इसका खाना कैसे खाओगे पर्सनल यूज कैसे कर सकते हो पहली चीज दूसरी चीज कि वहां जो केस था बनारसी लाल कटारिका के यहां उसमें आपको थाली कटोरा और चम्मच मिला था जिसको उसने प्रूफ किया और वो भी केवल सिल्वर का जो हमारा ट्रेडिशन है गोल्ड के सिक्के कहाँ का ट्रेडिशन होता है कहीं का ट्रेडिशन है क्या गोल्ड के सिक्के हम अपने चढ़ाएंगे भगवान को ऐसा कुछ है क्या तो एक तो आपकी बात यहां खत्म हो गई दूसरा उसका यूज पर्सनल कैसे कर सकते हैं सिक्कों का वो आप नहीं बता पा रहे तीसरा कि आप महाराजा हैं जो आपके फोर फादर्स है ना उन्होंने लगान यानी कि टैक्स रेवेन्यू के तौर पे पैसा कमाया हुआ होता है किसके तौर पे टैक्स रेवेन्यू के तौर पे पैसा कमाया होता है आप कैसे बाईट करेंगे इसमें कौन सा पैसा आपका कमाया हुआ है कौन सा पैसा लगान के तौर पर टैक्स रेवेन्यू के तौर पर पब्लिक का पैसा है तो आप उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते तो आपके साथ तो कई सारी लिमिटेशन है कैसे मान लें इसका पर्सनल यूज हो सकता है कैसे मान लें कि आपका कस्टम है और कैसे मान लें कि आपका ही पैसा है पब्लिक का पैसा नहीं है क्योंकि आप महाराजा है एक समय ऐसा था जब आप पब्लिक से पैसा लेते थे पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए बात समझ में आई तो ये बेसिस थे जिसमें कहा गया कि इसको टैक्स देना पड़ेगा तो बनारसा बनारसी लाल कटारी का उसने प्रूफ कर दिया कि जो हम थाली कटोरे चम्मच दिखा रहे हैं वो हमारे पर्सनल यूज में होते हैं हाँ रेगुलर पर्सनल यूज में नहीं होते हैं और नो वेयर इट इज रिटर्न उसने प्रूफ कर दिया इसने प्रूफ नहीं कर पाया कि ये पर्सनल यूज हो सकता है और गोल्ड का हमारा कस्टम है और साथ ही साथ ये भी प्रूफ नहीं कर पाया कि कौन सा पैसा इसका अपना अर्न है अपने फोर फादर्स का और कौन सा पब्लिक का एज अ टैक्स रेवेन्यू की तरह आया है बात समझ में आई अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना चलिए बहुत बढ़िया तो बोला गया पहला स्टॉक ट्रेड दूसरा बोला गया पर्सनल इफेक्ट अच्छा पर्सनल इफेक्ट में बोला गया ज्वेलरी ज्वेलरी की डेफिनेशन भी सर दे दीजिए क्योंकि आपने कहा कि ज्वेलरी अपने आप में काम की चीज है ज्वेलरी दो तरीके की होती है मालूम है जो ज्वेलरी किसे कहते हैं ऐसे ही बताओ आंसर मत देखो ऐसे ही बताओ ज्वेलरी किसे कहेंगे चांदी तो ये जो है ऑर्नामेंट्स को ज्वेलरी बोलोगे या केवल ऑर्नामेंट्स को ही ज्वेलरी बोलेंगे तो ज्वेलरी ज्वेलरी दो पार्ट में बांट दें हां बिल्कुल स्टोन पर आ रहे हैं दो पार्ट में ज्वेलरी को बांट दें जो गोल्ड की ब्रिक्स होती है ना सिल्वर की ब्रिक्स होती है ईट होती है जो कंप्लीट रॉ फॉर्म में वो भी आपकी ज्वेलरी है।, है क्या ज्वेलरी वो हाँ, ज्वेलरी का मतलब गोल्ड सिल्वर या प्रीशियस स्टोन ये सारी चीजें शामिल हैं उसमें या सेमी प्रीशियस स्टोन वो भी उसमें शामिल है तो ज्वेलरी का मतलब दो पार्ट में एक रॉ रॉ फॉर्म में जो अभी ऑर्नामेंट्स के शेप में नहीं है वो भी हमारी ज्वेलरी है और जो ऑर्नामेंट्स के शेप में है वो भी हमारी ज्वेलरी है इज इट क्लियर अच्छा अगर आपने अगर आपने जैसे आपने देखा होगा साड़ियों पर जरी की जाती है सोने चांदी की पूरी जरी की जाती है शुरू से लास्ट तक तो बताओ क्या वो साड़ी साड़ी है या फिर ज्वेलरी है वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ गया ये ये जो है ना ये कहा गया ये क्या ये ये जो माउस है ना इसके नीचे एक सोने का मैंने वो बनवा दिया है बेस बनवा दिया इसका जो लेयर लगा दिया सोने का बना दिया बताओ ये हमारा ज्वेलरी है या माउस है ये ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया ये ज्वेलरी में ऑटोमेटिक तो कोई भी बर्तन घर के बर्तन है गिलास हो हो गया, गया। कुछ भी बात समझ में आई तो ज्वेलरी को दो पार्ट में तोड़ा गया है ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय यानी कोई भी धातु कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच और नॉट चाहे उसको हमने किसी बर्तन के साथ लगाया हो या किसी अपेरल के साथ लगाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ तो उसको सी कर दिया सी, 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 सील दिया गया कपड़ों के साथ या किसी यूटेंसिल्स के साथ ऐड कर दिया गया तो भी वो कहलाएगा हमारा क्या ज्वेलरी तो ज्वेलरी का मतलब कोई भी ऑर्नामेंट्स चाहे वो गोल्ड की हो सिल्वर की हो प्लेटिनम की हो प्रीशियस स्टोन या सेमी प्रीशियस स्टोन की हो या इन सबके मिक्सचर से बना हुआ कोई सामान या कोई इनके मिक्सचर से बना हुआ कोई ऑर्नामेंट्स या फिर कोई भी ऐसा बर्तन या कोई भी ऐसी ऐसे कपड़े जिसमें ऐसे प्रीशियस सेमी प्रीशियस गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम को जोड़ दिया गया हो अटैच कर दिया गया हो या सिल दिया गया हो वो भी हमारा ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगा दूसरा Previous और प्रीशियस स्टोन चाहे उसको किसी फर्नीचर या बर्तन या किसी कपड़े के साथ लगा दिया गया हो वो भी आ जाएगा तो सोचिए और स्टोन भी अगर किसी कपड़े के साथ जोड़ दिया जाए प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन भी किसी बर्तन के साथ अटैच कर दिया जाए प्रीशियस या प्रीशियस स्टोन किसी फर्नीचर के साथ अटैच कर दिया जाए वो फर्नीचर यूटेंसिल्स और हमारा uh, कपड़ा वो भी हमारा क्या कहलाएगा ज्वेलरी आएगा तो चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो प्लेटिनम हो उसको अटैच कर दो मिला करके अटैच कर दो या किसी स्टोन या सेमी प्रिशियस स्टोन के साथ कर दो वो हमारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगा इज इट क्लियर तो ज्वेलरी की डेफ हाँ बोलिए एक मिनट बाबू एक मिनट एक मिनट हमें एक, मेरी बात पूरी कर लेने दें दो मिनट बाबू चिंता ना करें मैंने कहा अपना क्वेश्चन लिख ले मैं अभी बताऊंगा मैंने कहा कि हम लोग कैपिटल एसेट की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना सेक्शन क्लॉज में तो तीन चीजों को कैपिटल एसेट माना जाता है सारी की सारी की और प्रॉपर्टीज चाहे वो कनेक्टेड हो हमारे बिजनेस से चाहे ना हो वो हमारी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी लेकिन इन चीजों को हटा दो किन चीजों को हटा दे सर कोई भी स्टॉक इन ट्रेड हो उसको आप हटा दीजिए वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है ज्वेलरी ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट हाँ ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट पर्सनल इफेक्ट हमारा कैपिटल एसेट नहीं है और पर्सनल इफेक्ट से कुछ चीजों को हटाया गया तीसरा जो बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट वो है एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड हमारा कैपिटल एसेट नहीं माना जाता कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड वो जो इंडिया में है कौन सी वो जो इंडिया में है अच्छा वो जो कनॉट प्लेस पर है एग्रीकल्चरल लैंड हाँ कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया तो अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड स्पेसिफाइड एरिया के अंदर है तो इसका मतलब वो शहर के अंदर है दो मिनट के लिए मान लेते मैं एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज बोल रहा हूं शहर के अंदर है उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड कैसे बोल सकते हैं अब हमको ये देखना पड़ेगा कि वो स्पेसिफाइड एरिया कौन सा है जिसके अंदर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी क्या मान ली जाएगी सोचो एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट मान ली जाएगी स्टॉक इन ट्रेड को नहीं मानेंगे दूसरा पर्सनल इफेक्ट को नहीं मानेंगे दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड को भी नहीं मानेंगे लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है एक स्पेसिफाइड एरिया में तो वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी अब तो क्लियर है एक बार और बोलूं मैंने कहा इन चीजों को कैपिटल एसेट ना माने स्टॉक इन ट्रेड को नहीं मानेंगे कोई दिक्कत है पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे नॉर्मल कोई दिक्कत है एग्रीकल्चरल लैंड को भी कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे कोई दिक्कत है लेकिन वो एग्रीकल्चरल लैंड अगर एक स्पेसिफाइड एरिया में है म्यूट कर लें अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड स्पेसिफाइड एरिया में है स्पेसिफाइड एरिया मतलब शहर में है, तो क्या हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड माने बस बात खत्म अरे शहर में है तो कैसे मान लोगे शहर में कैसे मान लोगे तो कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड तभी मानी जाएगी जो स्पेसिफाइड एरिया में ना हो कहा हो स्पेसिफाइड एरिया में ना हो स्पेसिफाइड एरिया मतलब शहर वाला एरिया अब बात समझ में आई हाँ जी अच्छा इसके बाद बोला गया सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट गोल्ड बॉन्ड सेवन परसेंट फाइव सेवन परसेंट गोल्ड बॉन्ड्स और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली ये गोल्ड बॉन्ड्स इसलिए लाए जाते हैं जिससे सरकार के पास एक एक्स्ट्रा कैश आ जाता है या पैसा आ जाता है सरकार मार्केट से पैसा उठाती है जब इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं तो जो खजाने में लोगों के घर के कमरे या क, क, कमरे या अलमारी में बंद पैसा होता है गवर्नमेंट उसको निकालने की कोशिश करती है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये ये बॉन्ड्स निकाले थे सिक्स गोल्ड बॉन्ड सेवन गोल्ड बॉन्ड्स एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स ये बॉन्ड्स निकाले गए थे इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनको भी कहा गया कि अगर आप इन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं ठीक है आप मार्केट से गोल्ड लेने जाते हैं एक काम करो पैसा हमको दे दो हमसे गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट ले लो जब मैच्योरिटी होगी तो हमसे पैसा वापस ले लेना गोल्ड के बराबर का जो उसकी मार्केट वैल्यू है या फिर हमसे गोल्ड ले लेना कोई दिक्कत है क्या फिर बोलूं गवर्नमेंट ने ये पैसा किन से लिया था हम पब्लिक से लिया और कहा कि अगर आप हमें ये पैसा देते हैं इस कठिन समय में इस कठिन समय में अगर आप पैसा देते हैं तो हम आपको बेनिफिट देंगे टैक्सेशन में उस पर टैक्स नहीं लगेगा अब जाहिर सी बात है टैक्स नहीं लगेगा खरीदने बेचने पर तो जाहिर सी बात है कोई भी पैसा आदमी इन्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट ने एश्योर एक तो गवर्नमेंट का ऊपर से एश्योरेंस है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट ने कहा हमको गोल्ड बॉन्ड के नाम पर पैसा दे दो या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड के नाम पर पैसा दे दो आपने पैसा दिया हमने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया आपने सौ ग्राम सोना लिया हमने एक सर्टिफिकेट आपको बना करके दिया दैट यू आर होल्डिंग हंड्रेड गोल्ड हंड्रेड ग्राम गोल्ड फलाना एंड एंडका एन द मेच्योरिटी डेट इज दिस वन उस मेच्योरिटी डेट को आप मेरे पास आइएगा आप गोल्ड ले लीजिएगा या अपना

अब आप लोग साथ साथ में बोलें मतलब साथ साथ इन द सेंस साथ साथ में एक बार रिवाइज करते जाएंगे कि कैपिटल एसेट सबसे पहले तो चार्जिंग uh, सेक्शन क्या कहता है सेक्शन सेक्शन सब एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विज द ट्रांसफर टेकन प्लेस चलिए सर वो हो गया डेफिनेशन उसमें दो चीजें समझ में आई

आर्टवर्क साइंटिफिक वर्क, स्कल्पचर्स और एक और बताया था आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ठीक है ये सारी चीजें हो गई ये हमारा कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा ज्वेलरी की डेफिनेशन को फिर तोड़ा गया था चाहे वो प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन किसी बर्तन फर्नीचर और यूटेंसिल्स में ऐड हो तो भी हम उसको ज्वेलरी की डेफिनेशन में ही ले जाएंगे ये सारी चीजें हो गई अच्छा अब जब जमीन की बात की गई एग्रीकल्चरल लैंड की तो कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती वी एग्री लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड शहर में हो शहर का मतलब स्पेसिफाइड एरिया में हो तो हम उसको कैपिटल एसेट मान लेंगे हम उसको क्या मान लेंगे तो बताओ वो शहर की जमीन कौन सी है ये आपकी शहर की जमीन है ये अच्छा अब जितने लोगों के क्वेश्चन है पहले दो मिनट हम उनका जवाब दे देंगे आराम से पूछेंगे कोई हड़बड़ी नहीं उसके बाद हम एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन करेंगे हाँ बोलिए क्या क्या क्वेश्चन है कौन सा गोल्ड चल रहा है क्या वो इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है माना नहीं इश्यूड बाय इफ यू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट देन यस इट इज अदरवाइज नो नहीं पहले तो उस बच्चे का पहले क्वेश्चन दूर हो जाए जो अभी पूछ रहा था दिव्यांशु शायद पूछ रहा था बात समझ में आई आप उसका सर्टिफिकेट देखें इफ द सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देन यू कैन गो अहेड उस सर्टिफिकेट पे सीधे सीधे लिखा रहेगा कि ये इस सेक्शन के अंतर्गत आपका एग्जेमट है वहां पर लिखा रहता है इफ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम तो वो उस पर क्लियर लिखा रहता है कि सेक्शन एट्टी सी में बेनिफिट मिलेगा या आपको सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टीन में कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा सारी चीजें वहां लिखी रहती है उसको आपको देखना पड़ेगा ठीक है ना हाँ, हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हाँ, बताए दूसरा क्या था बाबू बोलें यूटेंसिल्स तो पर्सनल इफेक्ट होते हैं ना लेकिन अगर ज्वेलरी के फॉर्म में मिला मींस उसमें गोल्ड प्लेटेड है या लेयर लगी हुई है सिल्वर की प्लेटिनम की या किसी और सेमी प्रिशियस की तो ज्वेलरी माना जाएगा बर्तन की बात नहीं हो रही थी वो थाली कटोरे और चम्मच की बात हो रही थी बनारसी लाल कटारी का एंड यू कैन हाँ नहीं सिल्वर से फिर गोल्ड के पे, ना 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 गलत ना सिल्वर से थी इसीलिए उसको माफ किया गया था और केवल थाली कटोरा और चम्मच था उसके अलावा कुछ भी नहीं था जिसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो कि हमारा ट्रेडिशन कई सालों से चला रहा है we so much, ठीक है ना ठीक है चलिए हाँ बोलिए कोई और क्वेश्चन हो तो बोले नहीं तो हम इस पर चले अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चले चलें हाँ जी सर जी चलिए सबसे अच्छी चीज है एग्रीकल्चरल लैंड किसको कहेंगे सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करते हैं तो दो चीजें शामिल होती हैं एक तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और न फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जमीन कोई बेच दिया अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड पर किया गया है इसको हम कह सकते हैं रूरल एरिया इसको हम कह सकते हैं अर्बन एरिया ठीक <laughs> है ठीक है हम अभी कुछ नहीं बताए टेंशन नहीं लेने का एग्रीकल्चरल लैंड है रूरल एरिया में है अर्बन एरिया में है ठीक है तो कहा क्या रूरल एरिया ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा ठीक है हां और अर्बन एरिया हमारा कैपिटल एसेट माना जाएगा कैसे पता चलेगा ये रूरल एरिया कौन सा ये अर्बन एरिया कौन सा नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया और इसके लिए है सिचुएटेड इन कहां पे स्पेसिफाइड एरिया तो सर हमें यह तो बता दीजिए ना स्पेसिफाइड एरिया क्या होता है बता देना तो हमें अब यह जानना पड़ेगा स्पेसिफाइड एरिया क्या होता है ये आपका लोकल लिमिट्स है या म्युनिसिपलिटी बोर्ड है या टाउन कमेटी है या टाउन एरिया बोर्ड है या किसी भी नाम से आप जानते हो कैंटोनमेंट बोर्ड है क्या है अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड का ना मतलब जानते हैं ना जो जहां पर एयर फोर्स होती है वहां पर एक कैंटोनमेंट बोर्ड बना दिया जाता है मालूम है ना अच्छा तो जहां पर एयर फोर्स होती है वहां पर एक कैंटोनमेंट बोर्ड बन जैसे हम लोग का एरिया जो है उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड है जिस सिटी में हम रहते हैं गोरखपुर में वहां पर मिलिट्री है तो उनका पूरा एयरफोर्स का पूरा सिस्टम है बकायदा मिलिट्री का पूरा एक यहाँ पर अलग से पूरा एरिया है तो ये हमारा हमारे, हमारे यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड भी है इसकी लिमिट अलग होती है एक एक उनका म्युनिसपल बोर्ड से अलग लिमिट होता है किससे अलग होता है म्युनिसिपल बोर्ड से अलग लिमिट होता है ठीक है ना कहा गया अगर आपकी कोई जगह इस म्युनिसिपल एरिया या इस लिमिट के अंतर्गत आती है मेरी बात ढंग से समझेंगे मैं एक और शेप बना देता हूं ताकि और ढंग से समझ में आए अगर आपका एरिया इसके अंदर आता है तो प्लस प्लस यहां की पॉपुलेशन टेन थाउजेंड प्लस होनी चाहिए तो ये हमारा स्पेसिफाइड एरिया हो गया क्या हो गया यानी ये शहर हो गया ये क्या हो गया शहर हो गया या आप कह सकते हैं अर्बन एरिया हो गया या आप कह सकते हैं इसके अंदर कोई अगर एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे बात समझ में आई अच्छा बहुत बढ़िया अब कहा गया कि अगर कोई जगह इस, इस इस लिमिट के बाहर है कितनी बाहर है यहां दो किलोमीटर बाहर है कितना इस इन टू किलोमीटर है दो किलोमीटर के अंदर है मतलब लिमिट के बाहर है म्यूनिसिपल बोर्ड कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के बाहर है लेकिन विद इन टू किलोमीटर है और यहां की पॉपुलेशन दस हजार से अधिक है दस हजार से अधिक है बट अप टू वन लैख तक है बात समझ में आई यह भी हमारा शहर माना जाएगा सोचो लिमिट के कहां है लिमिट के कितने किलोमीटर तो भी वो शहर में आ गया शहर किन से बसता है इंसानों से तो कहा गया अगर यहां की पॉपुलेशन दस हजार से अधिक है लेकिन एक लाख तक है तो भी हम इसको शहर की ही जमीन मानेंगे यानी कि कैपिटल एसेट मान लेंगे अब बात समझ में आई अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब लिमिट को थोड़ा और क्रॉस किया कहता है कि अगर हमारी कोई जमीन इस लिमिट के बाहर है कहां से यहां से विद इन सिक्स किलोमीटर है और यहां की पॉपुलेशन किससे अधिक हो जाए अप टू टेन लैक्स सोचो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है शहर के बाहर है तो भी पॉपुलेशन है भैया मत मानो इसको रूरल एरिया इसको क्या मानो अर्बन एरिया यानी इस जगह भी अगर जमीन होगी ना उस पर कैपिटल एसेट मान लेंगे समझ में आई बात हाँ या ना अब इसके लिमिट को और बढ़ाया गया कहा गया कि अगर यहां से आठ किलोमीटर के दायरे में है इन एट किलोमीटर और इस पूरे जगह की पॉपुलेशन दस लाख प्लस है तो भी क्या मानी जाएगी ये अर्बन लैंड मानी जाएगी अर्बन लैंड मानी जाएगी और इस पर कैपिटल एसेट मानते हुए टैक्स लगेगा मेरी बात समझ में आई खत्म हो गई डेफिनेशन खत्म इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के बाहर कोई भी जमीन हो कितनी भी पॉपुलेशन हो वो सब एग्रीकल्चरल एरिया में आ जाएगा बात समझ में आई अगर कोई जमीन अग, आ रहे आ रहे आ रहे खत्म नहीं हुआ मेरे लाल खत्म नहीं हुआ हम समझ गए कहां पूछ पूछना है हम जान रहे हैं चिंता ना करें अगर कोई जमीन बियॉन्ड एट किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स और कंटोनमेंट बोर्ड लिमिट और टाउन एरिया कमेटी या टाउन एरिया बोर्ड के बाहर है तो भर भूल जाओ आठ किलोमीटर के बाहर कोई जमीन है तो भूल जाना हमें चेक करना है नहीं करना है क्या मान लोगे उसको एग्रीकल्चरल लैंड मान लेंगे कोई दिक्कत है नहीं प्रॉब्लम है. केवल इस आठ किलोमीटर के अंदर है अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड विदिन एट किलोमीटर है विदिन एट किलोमीटर है और वहां की पॉपुलेशन दस लाख से अधिक है दस लाख ,00 से अधिक है तो हम उसको रूरल नहीं मानेंगे उसको अर्बन मान लेंगे लेकिन अगर पॉपुलेशन नौ लाख है अगर पॉपुलेशन इस आठ किलोमीटर की नौ लाख है कितने की ये पॉपुलेशन पूरे एरिया की नौ लाख है तो क्या मान लेंगे इसको रूरल मानेंगे भाई क्या बात कर रहे हो रूरल मानेंगे बात खत्म अच्छा अगर कोई जमीन छह किलोमीटर अंदर है कितने अंदर है और वहां की पॉपुलेशन अस्सी हजार है कितनी है एट्टी थाउजेंड है तो बताओ क्या मानेंगे उसको रूरल मानेंगे अगर कोई जमीन दो किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन नौ हजार है क्या मानेंगे उसको बात खत्म हो गई अच्छा सर हम लोगों का एक बार टेस्ट नॉलेज करवा दीजिए यह है आपका टेस्ट नॉलेज दिखा रहे हैं टेंशन नहीं लेने का हम कॉपी करने देंगे चिंता ना करें ये देखा जाए देखा जाए और डायग्राम की बात कर रहे हैं यहां मैंने बनाकर रखा है ये दूसरे तरीके से है ठीक है ना ये आपका डायग्राम सीएमए किस स्टडी मैट में दिया था सीए में नहीं दिया था इस तरह का डायग्राम तो हमने वहां से कॉपी करके रखा हुआ है और ये डायग्राम हमारा ये जो अभी आपने देखा वही दोनों बात एक ही है जी हाँ बोलिए फिर वही बात मैंने पूरा आठ किलोमीटर बोला मैंने ये नहीं कहा तब छ अगर आपकी जमीन आठ किलोमीटर के अंदर की पॉपुलेशन दस लाख से नीचे है तो आप उसको मान लीजिए रूरल बात खत्म अगर आपकी जमीन छ किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन एक लाख से दस लाख के अंदर है तो वो अर्बन हो गई रूरल नहीं मानेंगे फिर आपको हर चीज अलग अलग चेक करनी पड़ेगी ना मेरे लाल चलिए हम पहले इसको करते हैं कहता है केस नंबर वन में जो अच्छा एक चीज और एक चीज और एक चीज और ये ये कैसे आप नापते कैसे हैं सर मान लीजिए हम तो घर से निकलते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर तो ये घर ऐसे ऐसे ये चला आपका चार किलोमीटर कितना हो गया ये ये रास्ता कितना है ये चार किलोमीटर है और अगर इसको आसमान से देखें जैसे एक कौआ देखता है ना अरे हाँ भाई जैसे कौआ उड़ता है बत्तख उड़ता है चिड़िया उड़ तो अच्छा एक हम लोगों ने गेम जो ये कोरोना पीरियड है ना घर में हम लोगों ने एक नया गेम ईजाद किया इनोवेशन किया जानते हो क्या और खूब मजा आया और उसमें अच्छे अच्छे लोग फेल हो जा रहे थे बताएं क्या आप लोग भी घर पे करेंगे खूब मजा आएगा मतलब मजा इतना आएगा जिसका कोई अनलिमिटेड फन होगा वो ये है कि अब तक हम लोग बोलते थे बेटा चलो हम लोग साथ में खेलते चिड़िया ओढ़ तो सब लोग हाथ तो उठाते थे जो नहीं उठाता तो उसको फिर हम लोग मसाले लगाते थे याद है ना करते ना ऐसा अब आप लोग उल्टा करेंगे कि जो उड़ने वाले हैं उनको नहीं उड़ाना और जो नहीं उड़ने वाले हैं उनको उड़ाना है विश्वास मानो हाथी पर आप नहीं उड़ाओगे जबकि हाथी पे उड़ाना था दिमाग काम नहीं करेगा आप लोग आज ट्राई करेंगे बहुत मजा आएगा फिलहाल खूब मजा आएगा अगर चार पांच बच्चे हों घर पे उनके साथ खेलना खूब मजा आएगा अच्छा ये है चार किलोमीटर और अगर एक कौवा जैसे देखता है वैसे देखा जाए हाँ तो इसको हम लोग कहते हैं एरियल डिस्टेंस क्या बोलते हैं ये आपका आ गया दो किलोमीटर तो कौन सा दो किलोमीटर बोल रहा था उधर जो बोल रहा था एग्रीकल्चरल एंड दो किलोमीटर विदिन टू किलोमीटर विदिन सिक्स किलोमीटर विदिन एट किलोमीटर तो किसकी बात करता ही घूम फिर करके या सीधे सीधे ये हाँ बर्ड्स फ्लाई एज बर्ड्स फ्लाई तो ये उसी के हिसाब से चलना है तो ये वाला ऊपर वाला रास्ता नहीं देख लेंगे चार किलोमीटर ठीक है ना हम लोग ये वाला देखेंगे समझ में आई बात ये वाला जो बता रहे थे अब आते हैं इस पर देखें, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स यानी लोकल लिमिट के बाहर एक किलोमीटर है वहां की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए सर दस हजार से कम होगी तो रूरल है दस हजार से एक लाख होगी तो अर्बन है हाँ या ना दो किलोमीटर के अंदर अगर वहां की पॉपुलेशन दस हजार से अधिक और एक लाख तक है तो वो अर्बन है दस हजार से कम है तो क्या है वो रूरल है तो आंसर आएगा नो दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट आया ना अगर कोई जमीन डेढ़ किलोमीटर यानी किलोमीटर के अंदर है वहां की पॉपुलेशन दस हजार से अधिक और एक लाख तक है दस हजार से अधिक है तो ये कैपिटल एसेट हो गया अगर कोई जमीन दो किलोमीटर के अंदर है वहां की तो तो आंख बंद करके मान लेना अगर कोई जमीन तीन किलोमीटर के अंदर है तो वहां की पॉपुलेशन एक लाख से अधिक होनी चाहिए और दस लाख तक होनी चाहिए तो ये आएगा आंसर नो अगर चार किलोमीटर यानी विद इन सिक्स किलोमीटर होता है और वहां की पॉपुलेशन एक लाख से अधिक है यस हाँ या ना पांच किलोमीटर के अंदर है छह किलोमीटर के अंदर एक लाख से अधिक है क्या हाँ छह किलोमीटर है आठ हजार उड़ी बाबा ये तो होना ही नहीं है सात किलोमीटर है छह किलोमीटर क्रॉस कर गया तो दस लाख से अधिक की पॉपुलेशन होनी चाहिए आठ किलोमीटर है तो दस लाख से अधिक की पॉपुलेशन होनी चाहिए नौ किलोमीटर है तो ये हमेशा नौ ही होगा आठ किलोमीटर के बाहर हमेशा आप नो कर देंगे हाँ या ना आंसर टैली करें आंसर देखिए टैली हो रहा है आपका सब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है टैली हो रहा है ना ढेर सारी बधाई हो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको कवर करना था इसको अगर कॉपी करना हो हाँ बोलिए कुछ छूटा हो कुछ पूछ हमने कहा अगर कोई प्रॉपर्टी आठ किलोमीटर के बाहर है तब तो पॉपुलेशन देखो भी मत सीधे नो लिख दो वो कैपिटल एसेट नहीं होगी हाँ 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 लोकल लिमिट के बाहर आठ किलोमीटर तक ही आपको देखना है वो मैंने तो यहाँ बता दिया ना ये कुछ भी कर लो आठ किलोमीटर के बाहर कुछ भी होगा वो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होगा पॉपुलेशन कितनी भी हो क्लियर है चलिए अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कहता है अर्बन अर्बन का मतलब शहर शहर की जमीन कौन सी होगी जो हमारी सिचुएटेड होगी विद इन स्पेसिफाइड लिमिट तो इन एनी एरिया विद इन द जोरिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यूनिपाली चाहे आप म्यूनिपल कॉर्पोरेशन का नाम दो नोटिफाइड एरिया कमेटी का नाम दो टाउन एरिया टाउन या या किसी भी नाम से जानो बोर्ड हो एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन तो एरिया के अंदर है लेकिन वहां की पॉपुलेशन दस हजार से ऊपर है कितने के ऊपर है दस हजार से ऊपर है के बाहर है दो किलोमीटर के अंदर है पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा और एक लाख के अंदर होनी चाहिए दो किलोमीटर तक है और वहां की पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा और एक लाख तक है तो ये शहर की जमीन कहलाएगी अगर दो किलोमीटर अब छह किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन वन लाख से एक्सेस है और अप टू टेन लाख तक है तो वो हमारी शहर की जमीन यानी कि स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होगी अच्छा अप टू एट किलोमीटर है तो वहां की पॉपुलेशन दस लाख से अधिक होनी चाहिए बियॉन्ड एट किलोमीटर हमेशा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी इज इट क्लियर चलिए भाई ये भी काम खत्म हुआ अभी तक मैंने जो बताया एक बार रिवाइज कर दूं क्योंकि हम लोग को एक नए डेफिनेशन पर चलना है अच्छा पॉपुलेशन का मतलब बताया गया जो लास्ट सेंसस हुआ था ना लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस हुआ था जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा यानी अगर हम 21-22 की बात करें तो फर्स्ट अप्रैल 2021 के पहले अगर कोई पॉपुलेशन सेंसस हुआ है लेटेस्ट उसी को हम लोग काउंट करते हैं हाँ या ना ये पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल टेंशन ना लेंगे ये चीज आगे समझ में आएगी जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे 1037 का बकायदा एक पूरा क्वेश्चन एक आएगा बकायदा एक पूरी थ्योरी आएगी चिंता ना करें प्रॉपर्टी का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हाँ बोले अभी तक कोई दिक्कत हो तो बोले नहीं तो हम आगे बढ़े डेफिनेशन <coughs> है किसकी जानते हैं किसकी ट्रांसफर की ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ट्रांसफर मींस की टू क्लॉज फोर्टी सेवन ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होता सेल कर दिया ना ट्रांसफर का मतलब केवल सेल नहीं होता ट्रांसफर में कई सारी चीजें शामिल होती हैं अगर हम किसी को फ्री में कोई चीज दें, दें ट्रांसफर नहीं हो गई क्या गिफ्ट गिफ्ट में दे दिया ट्रांसफर नहीं हुआ क्या एक्सचेंज कर दिया एक एसेट दिया एक एसेट लिया तो क्या वो ट्रांसफर नहीं हुआ क्या गवर्नमेंट ने हमसे जबरदस्ती छीन ली एसेट क्या बोला मैंने किसने अच्छा गवर्नमेंट ने

कि जबरदस्ती छीन लिया मैं विलिंग पर्सन नहीं हूं मैं बेचना नहीं चाहता था जब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीन लिया तो भी उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में रखा गया यहाँ पर अब बात समझ में आई अच्छा अगर मेरे पास कोई जमीन है मेरे पास जमीन है कई जमीने हैं एक दो तीन चार पांच ऐसे लाइन लगी हुई है मेरे पास जमीनों की खूब अलग अलग जगहों पर जमीने हैं अच्छा अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया इतनी ज़मीनें थी सब कैपिटल एसेट थी मैंने सोचा चलो कुछ नया धंधा करते हैं कौन सा नया धंधा करते हैं एक काम करते हैं जमीन को खरीदने बेचने का काम करते हैं और उसकी शुरुआत अपने घर वाली ही जमीनों से करते हैं जमीनों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं ऐसा सोच लिया तो गुना हो गया ट्रांसफर हो गया क्या सोचने से ट्रांसफर हो जाता है क्या हो गया हो गया हो गया लोग कहते हैं सोचने पर टैक्स थोड़ी लगता है लग जाता है देखो ना गवर्नमेंट ने कहा लो बेटा हम लगा देते हैं टैक्स आपने जैसे ही इन प्रॉपर्टीज को अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया किसमें कन्वर्ट किया कि चलो चलो अब इन जमीनों को हम बेचने का धंधा स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गई किसमें स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गई किसमें तो यहां पर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा कब लगेगा कैसे लगेगा देखेंगे अभी टेंशन और बीमार होने की जरूरत नहीं है इसको भी ट्रांसफर मान लिया गवर्नमेंट ने अच्छा जी मतलब यहां पर कोई एक केस नहीं है कई केसेस हैं पहला ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट दूसरा आप कहोगे सर रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है थोड़ा पेशेंस extinguishment of any right therein extinguish का मतलब होता है अपने आप को किसी एसेट के अधिकार से किनारे कर लेना ये ये पेन ले लो आज से तुम्हारी ये पेन ले लो आज से ये पेन तुम्हारी मैंने ये पेन दिया इसका मतलब आई एम जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम दैट एसेट मींस आई जस्ट डोंट वांट टू पुट माय राइट इन दिस एसेट मैं अपने मींस आई जस्ट वांट टू गो अवे विद ऑल द राइट्स ऑफ माइंड इन दिस एसेट मैं अपने आपको बिल्कुल इस एसेट पे जितने भी मेरे पावर्स थे राइट थे ओनरशिप मैं उनसे अपने आपको किनारे कर ले रहा हूं ये मैं आपको दे रहा हूं एक्सटिंग कर ले रहा हूं क्या कर ले रहा हूं बाहर हो जा रहा हूं कोई भी उस एसेट पर अगर मेरा राइट right है तो अच्छा सर ये रेलिंग का मतलब क्या होता है कि रेलिंग क्विशमेंट मीन फ्रॉम ंग और गिविंग अप एनीथिंग आपने कई घरों के बाहर देखा होगा लिखा होता है अबेंडन हाउस लिखा रहता है ना वेयर एंड एससी गिव द राइट टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर परचेज ऑफ अमुएल प्रॉपर्टी इट इज रेलिंग ऑफिटल फिर से समझें इसको वेयर एन एस एव अपनी छोड़ देता है द राइट टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर परचेज ऑफ अंड इमुबल प्रॉपर्टी हम किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक छोड़ देते हैं अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देना किसी एसेट से अपने राइट हटा देना वो एक्सटिंग्विशमेंट है और किसी एसेट पर अपना हक छोड़ देना वो रेलिंग्विशमेंट है समझ में आई बात अच्छा हाँ। रेलिंग का मतलब किनारे हो जाना रेलिंग का मतलब क्या हुआ किनारे हो जाना एक्सटिंग्विश का मतलब अपने अधिकार छोड़ देना एसेट पर से, अपने अधिकार छोड़ देना एक तरह होता है, किनारे हो जाना, एक तरह से अधिकार छोड़ ये ये लो आज से तुम्हारी, मतलब किनारे हो गया अरे बोलो ना पक्की बात है ना मैंने किसी को दी या नहीं दी वो मैटर नहीं करता ठीक तो यानी छोड़ देना अबेंडन कर लेना

कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ यहाँ इनकम टैक्स की बात हो रही है इनकम टैक्स तो वो है ही है ट्रांसफर मान लिया जाएगा गवर्नमेंट ने आपकी जमीन जबरदस्ती छीन ली किसी प्रोजेक्ट वगैरह के तहत तो भी वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड चलो मैं एक बार और बताता हूं मेरे पास एक लैंड थी मैंने उस लैंड को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया किसमें कन्वर्ट किया या मेरे पास एक स्टॉक ट्रेड है मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में हो सकता है नहीं हो सकता बताओ यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा या नहीं पहले वाले में हां भाई दूसरे वाले में है? क्यों अच्छा जी ये हमारा स्टॉक ट्रांसफर हुआ है तो अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है तो अगर याद हो आपको तो मैंने दो सेक्शन आपके स्किप करवाए थे पीजीबीपी -पी में सेक्शन फोर्टी थ्री एंड फोर्टी थ्री सी ए भूल गए होंगे आप अरे हाँ या ना ये दो सेक्शन स्किप करवाए थे या नहीं करवाए थे नहीं आते सोचिए अब अभी इतनी जल्दी भूल गए तो आगे क्या होगा दिस इज नॉट अ कैपिटल गेन ये हमारा पीजीबीपी आता है क्या आता है क्या आता है हाँ और यहां पर कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में तो कैपिटल गेन निकलेगा तो और जब कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन जब स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं तो पीजीबीपी ये पॉइंट मैंने आपको कवर नहीं कराया था अगर आपको याद हो तो ये 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 दोनों सेक्शन नहीं याद है आएगा चिंता ना करें हम बता देंगे आप लोग भूल जाएंगे हम नहीं भूलेंगे टेंशन नहीं लेने का द मैच्योरिटी अच्छा मैंने कौन कौन से पॉइंट बता दिए पहला मैंने बताया ट्रांसफर में शामिल है सेक्शन टू की बात कर रहे हैं ट्रांसफर में सेल एक्सचेंज रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट दे रेन कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड क्या रहा मैंने मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड सर एक जगह और यूज हुआ था जीरो कूपन बॉन्ड वो पीजीबीपी में यूज हुआ था बोलो ना याद आया और मैंने उस समय बताया था बताया था ना जीरो कूपन बॉन्ड जीरो परसेंट कूपन हाँ, और वो मैंने बताया था सेक्शन थर्टी सिक्स में याद आया होगा वहां क्या वर्ड यूज किया गया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड वहां ये वर्ड यूज हुआ था देखेंगे यहां पर क्या किया है वो जीरो कूपन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी और रेडेमशन पर जो प्रॉफिट या गेन अराइज होता है जो भी हो इसको भी हमको बोला गया कैपिटल गेन क्या बोला गया कैपिटल गेन अच्छा अब मैंने आपको बताया पहला बताया सेल एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देर इन कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन की बात किया था कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ और मैच्योरिटी और रेडमिशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड अच्छा जी एक एक्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इनकम टैक्स एक्ट नहीं ट्रांसफर ऑफ जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टीपीए टीपीए 1882 सेक्शन 53 ए ये क्या बोलता है पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं जब आप जाएंगे टीपी एक्ट 1882 के सेक्शन 53 ए में तो कोई भी एसेट चलिए आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं जिस घर में आप रह रहे हैं ना उस घर की रजिस्ट्री आपके नाम से नहीं है मैंने क्या बोला जिस घर में आप रह रहे हैं ना उसकी टाइटल डीड आपके नाम से नहीं है किसी के नाम से भी नहीं है फैमिली मेंबर में ना मम्मी पापा किसी के नाम से ना आपके नाम से है घर आपका है या नहीं है सोचो जिस घर में बड़ा टेंशन हो जाएगी ऐसे तो वो घर आपका है या नहीं है, है। क्योंकि यू पोजेस दैट प्रॉपर्टी वो पोजिशन है आपके पास वो राइट है आपके पास उस घर की की आपके पास है आप उस घर के सारी सुख सुविधाओं को एज अ ओनर एंजॉय कर रहे हैं इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 ए ऑफ़ टीपीए एक्ट 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए जरूरी नहीं कि उसकी रजिस्ट्री आपके या रजिस्टर्ड वो प्रॉपर्टी आपके नाम से हो तभी आप उसके मालिक माने जाएंगे कोई जरूरी नहीं है मैं नहीं बोल रहा कौन बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोल रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी का पजेशन आपके पास है की आपके पास है दैट इज सफिशियंट टू ट्रीट यू द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज इट क्लियर अरे बोलो ना अच्छा समझ में आ गया यहां पर क्या बोला है अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है

ट्रांसफर हो गया बिल्कुल हो गया क्योंकि हाँ, हाँ, रेंट पे चाबी देने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर, मैंने कहा जा ये घर तेरा और ये किरायेदार को हम कभी नहीं कहते किराएदार कहते ये ले चाबी, पांच हजार रुपए महीना पहुंचा देना दस हजार पहुंचा देना मेरी बात समझो हाँ दोनों में फर्क है अच्छा एक और लास्ट उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका ट्रांसफर किससे किस, किस मर्जी से दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अच्छा ये वाला पॉइंट इससे रिलेट करता है आप ये कह रहे हैं हाँ कह सकते हैं अदरवाइज ये केवल और केवल किससे रिलेट कर रहा है क्या ऐसा कहीं यहां पर लिखा है अब समझ में आई बात अच्छा लास्ट पॉइंट आते हैं ढंग से सुने सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों की भीड़ तो लगी रहती है कि टैक्स ना देना पड़े टैक्स ना देना पड़े है ना ये एक प्रॉपर्टी है अच्छा एक बात बताओ आ, मान लो हम सौ लोग हैं और अगर मैं सौ लोगों से ये पूछूं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है टू बी का मकान खरीदना है तो एक बात बताइए आप लोग कितना कितना देने को तैयार हो जाएंगे टू बी एच के लिए कितना आप देने को तैयार हो जाएंगे कितना अमाउंट देने को तैयार हो जाएंगे अरे बोलो ना दस लाख चलेगा अच्छा सस्ता हो गया सस्ता सस्ता हो गया ना नहीं नहीं मैं मैं बोलता हूं दस लाख में मैं दे दूंगा कोई दिक्कत है क्या किसी को अब लोकेशन क्या चलिए आठ लाख में कर दिया और बोलिए अब थोड़ा दूर भी रहे तो काम चल जाएगा क्यों नहीं जंगल में नहीं शहर अरे आसपास ही देंगे जंगल में क्यों देंगे चलो अट्ठारह लाख चलो नहीं भरोसा हो रहा है तो थोड़ी अच्छी जगह ले लेते हैं अठारह लाख में तो कोई दिक्कत नहीं टू बी एच के हमें लगता है, सस्ता ही है। लोकेशन है हाँ, चलिए मेट्रो वगैरह का कनेक्शन है कोई दिक्कत नहीं है तो अब शहर में हो गया ना हाँ अच्छा अठारह लाख में मैं दे रहा हूँ लगभग सब ने कहा सर हमको भी, हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए हम भी अठारह लाख में ले लेंगे पापा ने कहा हमको भी चाहिए चलो भाई सौ लोगों से लेकिन एक बात बताओ क्या आप लोग अठारह लाख हमें दे दोगे सच सच बताना भरोसा नहीं है भरोसा नहीं होगा कि पता नहीं सर को दे हमको मीठी गोली खिला दे हम फिर सर भाग जाए तो ऐसे कैसे काम चलेगा भरोसा कैसे होगा आखिर उन सौ लोगों को घर चाहिए लगभग हर आदमी को घर चाहिए तो कैसे घर चाहिए अठारह लाख में भी घर चाहिए सस्ता भी घर चाहिए वो मिल भी रहा है शहर में चाहिए वो भी मिल रहा है लेकिन किस पर भरोसा करें ये सौ लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे तो इनको यूनाइट करने के लिए मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं हम लोग एक को ऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं हम सारे लोग मिल करके क्या कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं या एक कंपनी बना लेते हैं कंपनी का फॉर्मेशन कर देते हैं इनकॉरपोरेशन कर लेते हैं कंपनी को और इस कंपनी या इस कोऑपरेटिव ऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी में एक चेयरमैन हो जाएगा और एक सेक्रेटरी हो जाएगा और दो ट्रेजरार हो जाएंगे और इसी तरह बाकी चार पांच मेंबर हो जाएंगे एक्टिव ये हमारे सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं अब तो एक लोग आ गए ना बैंक अकाउंट चलिए 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 बैंक अकाउंट ओपन कर लिया गया या ना इस पे कम से कम तीन लोगों के सिग्नेचर होंगे तब पैसा आएगा और जाएगा तो सबका सिलेक्शन हुआ सब हो गया अब तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अच्छा ऐसा ही हुआ और ये पैसा इस बैंक अकाउंट में आ गया भरोसा बढ़ा और ये पैसा इस बैंक अकाउंट में आ गया ये जो मैंने को ऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी इस बैंक अकाउंट में पैसा आने के बाद सबसे पहले मैं क्या खरीदूंगा किसके नाम से okay, 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 got it. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हमने जमीन खरीद ली अच्छा इस पर अब बिल्डिंग बनेगी ये पैसा बिल्डिंग का कहां से खर्च होगा अच्छा ये बिल्डिंग भी किसके नाम से बनी बट ऑब्वियस है जब जमीन उसके नाम से तो प्रॉपर्टी भी आगे की बनेगी उसी के नाम से होगी अब ये जो बिल्डिंग बनी ये ऐसे बनी अच्छा अब हमें ये बिल्डिंग बांटनी है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है कैसे कर दें बुलाएंगे चाबी दे देंगे नहीं दे देंगे दूसरे को चाबी दे देंगे नहीं दे देंगे हाँ कैसे दे देंगे ये कैसे बांटेंगे हाँ जी हाँ जी मतलब अरे वो भूल जाओ कि नीचे का प्राइम लेंडिंग चार्जेस पीएलसी वगैरह किनारे करो वो मां बाहर में जाए अभी हम उसके पीछे नहीं पड़ रहे सबको बराबर देना है हां बताओ क्या करें सब खुश हैं उस 18 लाख में कोई भी फ्लोर पर मिल जाए चलो और एक आय की रजिस्ट्री जब सोसाइटी बनी हुई है तो सोसाइटी के मेंबर हैं या नहीं आप आप मेंबर हैं या नहीं आप इस मेंबरशिप के अगेंस्ट हम आपको एक प्रॉपर्टी अलॉट कर दिए क्या प्रॉब्लम है भाई यू आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी यू विल गेट अ अ की ऑफ हाउस क्या दिक्कत है अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और उस शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट हम आपको वो प्रॉपर्टी दे देंगे प्रॉब्लम क्या है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है सर बिल्कुल ऐसे ही होता है कोई रजिस्ट्री नहीं हुई किसके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई आपको चाबी दे दी गई दैट सेट क्या ये ट्रांसफर हो गया क्या प्रॉपर्टी बस बस तुम तो लोग तेज आदमी हो ये यही लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे एनी ट्रांजैक्शन वेदर बाई वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर यानी शेयर होल्डिंग ले लो या फिर कोई मेंबर बन जाओ किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी या किसी भी एओपी बीओआई के और वहां पर कोई भी एग्रीमेंट या अरेंजमेंट इस तरह से करो जिसका अल्टीमेट इफेक्ट ट्रांसफर हो जाए या आपको इस लायक बना दे कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का पूरी ओनरशिप के साथ इंजॉय कर सके अरे बात समझ में आई दैट्स इट बस 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 एक बार आप जरा गिन लेते हैं क्या क्या है ट्रांसफर की डेफिनेशन में सेल एक्सचेंज रेलिंक्विशमेंट extinguishment of right therein conversion of a capital asset into stock in trade compulsory acquisition under any law maturity or redemption of zero coupon bond section 53a of transfer of property act which says that the property might be not registered in the name of the transferer is it clear transferee sorry and the last if you are getting the allotment of any property against the membership or shareholding of a company or cooperative society

हमें नहीं लगता जितना भी मैंने बताया कहीं कुछ छूटा है अभी हम लोगों ने केवल तीन ही पेज शायद आज कवर किए जो हमें नेक्स्ट सेशन में देखना है ना ये जो हम अभी दो मिनट कहानी बताकर छोड़ दे रहे हैं नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे सेक्शन फोर्टी सिक्स एंड सेक्शन फोर्टी सेवन बेसिकली विल एम्पेसाइज ऑनली ऑन सेक्शन फोर्टी सेवन राइट नाउ सेक्शन फोर्टी सेवन कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर मान लिया जाएगा अगर प्रॉपर्टी एक जगह से निकलकर कहां चली गई दूसरी जगह अच्छा एक बात बताओ मैंने ना क्या किया कि गिफ्ट दे दिया मैं मिस्टर ए हूं कोई मेरा दोस्त है मिस्टर बी ऐसे दोस्त भगवान सबको दे इसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और इसको मैंने एक जमीन गिफ्ट में दे दी तो क्या गुनाह कर लिया क्या अच्छा मैंने इसको चलो जमीन नहीं दी फर्नीचर गिफ्ट में दे दिया क्या कोई गुनाह कर दिया क्या कोई कार मैंने गिफ्ट में दे दी और वो पर्सनल नहीं थी फिलहाल वो पर्सनल नहीं थी तो क्या मैंने गुनाह कर दिया क्या अच्छा अच्छा एक मिस्टर ए है उसकी डेथ हो रही है वो जाते जाते एक विल लिख रहा है अपने फैमिली मेंबर के नाम कुछ प्रॉपर्टी बी को दिया सी को दिया डी को दिया क्या ना दे देना देना चाहिए विल लिखना तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है विल लिखो और अगर बी सी डी को ये प्रॉपर्टी गई तो क्या ट्रांसफर हो गया कैपिटल गेन लेगी सरकार इनसे ट्रांसफर हो गया भाई ऐसे कैसे नहीं हुआ ट्रांसफर ऊपर भी ट्रांसफर हुआ यहां भी ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर तो हुआ ट्रांसफर तो हुआ सेल एक्सचेंज एक, रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग कंपल्सरी एक्विशेंज जब रेलिक्विशमेंट और एक्सिंगमेंट आ रहा है तो मैक्सिमम चीजें तो वहां पर कवर हो गई हां तो इस तरह के ट्रांजेक्शन एक एच है जिसमें चार भाई रहते हैं अपनी फैमिली के साथ बंटवारा हो गया फैमिली का तो क्या बंटवारा हो गया तो ट्रांसफर हो गया एसेट ट्रांसफर मान लें या ना मान लें हां सर मान लीजिए बिल्कुल मान लीजिए लेकिन गलत है या नहीं गलत है या नहीं अब मान लो किसी के पास हजार करोड़ रुपए की है सेट जमीन है वो परदादाओं की चली आ रही है आज तीन भाई थे तीनों भाई अलग हो गए इसके पास 330 करोड़ इसके पास 330 करोड़ इसके पास 340 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई जेब में इनके पास जीरो रुपीज हैं नल्ले हैं तीनों नल्ले हैं कुछ नहीं करते हैं केवल बैठे बैठे पुराने जमाने का पैसा आ गया अब बताओ ये कहां से टैक्स भरेंगे ट्रांसफर मान लें क्या इसको अरे ट्रांसफर तो है लेकिन मानना चाहिए या नहीं जेनविन लगता है क्या कहीं से घर की चीज घर में ही रह रही है एक चार भाइयों के नाम थी तीन भाई चारों भाइयों ने आपस में बांट ली तो क्या उसको हम ट्रांसफर मान लें टैक्स देने गवर्नमेंट को जेनविन दिख रहा है क्या कहीं से अरे ट्रांसफर तो हुआ क्या होना चाहिए एक घर का बंटवारा हो गया एक ये बिल्डिंग है तीन फ्लोर बने हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एक मिस्टर ए ने ले लिया एक मिस्टर बी ने ले लिया एक सी ने ले लिया तो क्या ट्रांसफर हो गया कैपिटल गेन देना पड़ेगा क्या नॉर्मली नहीं होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए ना नहीं ट्रांसफर तो है ये तो मानना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कहा कोई भी कैपिटल एसेट होगी और ट्रांसफर होगा तो हम क्या मान लेंगे कैपिटल गेन निकालेंगे वहां पर यही तो बोला अगर कैपिटल एसेट है और ट्रांसफर नहीं है तो क्या कैपिटल गेन निकलेगा क्योंकि यह भी होना चाहिए और यह भी होना चाहिए तभी यह निकलेगा अच्छा कोई कैपिटल एसेट नहीं है और ट्रांसफर है तो क्या कैपिटल गेन निकल जाएगा क्या अच्छा अब यहां पर यह तो पक्का है कि कैपिटल एसेट है इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता बिल्डिंग है तीन लोगों में बट गई तो कैपिटल एसेट का बंटवारा हुआ है कैपिटल एसेट थी यह तो पक्का है ना अब ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है अब गवर्नमेंट करे तो करे क्या गवर्नमेंट करे तो करे क्या गवर्नमेंट ने कहा अब हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो ट्रांसफर तो हुआ लेकिन हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे क्या ट्रांसफर तो हुआ डेफिनेशन के हिसाब से लेकिन 47 में हम ले जाकर के इसको ट्रांसफर की लिस्ट से हटा देंगे अब समझ में आई बात अब क्या कैपिटल गेन लगेगा नहीं बिल्कुल ठीक है यह सेक्शन 47 हमें यही बताता है ट्रांजेक्शन विच आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर अब बात समझ में आई ये वो ट्रांजेक्शन हैं जिनको हम ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं तो जब ट्रांसफर मानोगे नहीं तो कैपिटल गेन आएगा कहां से अब कैपिटल गेन नहीं निकलेगा तो इस इस लिस्ट में जितनी चीजें आएंगी कितनी बड़ी लिस्ट है ये देखो देखते जाओ देखते जाओ उड़ी बाबा अभी और भी है अरे खत्म नहीं हो रहे ये यहां तक है 33 या थर्टी थ्री थर्टी थ्री ये लिस्ट है पूरी इन आइटम्स को हमें दिमाग में से और कोई बड़ी बात नहीं है सब ऐसे उंगली पर आ जाएगी बशर्ते आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के दो क्लास देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी सेट होने का मतलब अगर कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि हमारा सेक्शन फोर्टी के अकॉर्डिंग है बात समझ में आई तो बस 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 इतना याद रखना है बाकी अगर ये ये सेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद तो कैपिटल गेन ऐसे खत्म होगा एकदम पता ही नहीं चलेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को कवरअप करना उम्मीद करेंगे नेक्स्ट सेशन और उसके नेक्स्ट सेशन दो सेशन हमारे केवल और केवल सेक्शन फोर्टी सेवन को ले बीतेगा इसमें ज्यादा टाइम लगता है बाकी किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता एक खास बात और जो सबसे मैं बता दूं कि पीजीबीपी की एक खास बात थी मैंने पहले बोला कि छोटे 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 टुकड़ों में टूटा हुआ है अगर किसी का एक क्लास छूट जाता था तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे सेशन से वो उस टॉपिक को समझ सकता था लेकिन इसकी एक खास बात यह है, जहां आपने कोई एक सेशन छोड़ दिया ना तो फिर अगले क्लास से वो चीज समझ में आनी नहीं मान लो नेक्स्ट सेशन आपका छूट गया तो आपके सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे सेक्शन से को होते हैं जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो अगर कोई एक सेशन मिस हो गया तो समझ लो इस कैपिटल गेन की तो वाट लग जाएगी ठीक है ना हाँ तो बस एक हफ्ता इसमें आपको दस क्लासेस उम्मीद करते हैं दस क्लासेस में हम कवरअप करेंगे थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन हां दस क्लास आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दस से बारह क्लास ठीक है ना कल मिलें थैंक यू हाँ बोलिए बोलिए बाबू अच्छा जितने लोगों को जाना है पूछना है इससे इस टॉपिक से, से रिलेटेड पूछ लें हाँ किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना है तो रुकें नहीं तो बाकी लोग टाटा बोल सकते हैं थैंक यू बच्चों गुड नाइट बाबू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू